मुझे ऑफर ऐसे हुआ मैं मना नहीं कर सकता। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि आपने मेक योर ऑफर यू कांट रिफ्यूज, उसमें वो कहता है कि उसके घोड़े को काट के ना उसके बिस्तर पर डाल देता है और उससे जो कह रहा होता है ना वो कहता है मतलब बात ये थी कि अगर मैं तेरे घोड़े के साथ हाल किया है तो ये तेरे साथ क्या करूँगा, और वो भी बहुत खूबसूरत सा घोड़ा। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि आपको आधी बात पता लग गई आज कि किस एरिया पे फोकस करना है। अब आधी बाकी है, वो क्या है? नंबर वन, अपना एटीट्यूड चेंज करना। मिन मिन नहीं करनी है जिंदगी में, ये मैंने बहुत पहले सीख लिया था। मिन मिन नहीं, नो मिन मिन। मेरी पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान की ये सूरत हाल है, यहाँ पे एक लम्स की लड़की आ जाएगी एमबीए किए हुई, वो हम सबको उंगली पीना चाहिए क्योंकि वो अंग्रेजी बोल रही है और ऑडिशियस एटीट्यूड होगा। अभी यहाँ जितने मर्द बैठे ना उसके इशारे पे सारी बड़ी कंपनियों में जो भागे गए, अच्छा आता जाता कुछ नहीं होगा। अभी लम्स के दो प्रोफेसर आए थे मेरे पास कराची में, तो मैंने उनको बोला, वो बड़ी 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 बातें कर रहे थे, मैंने कहा यार वो तो बात सही है मगर मसला ये है मैंने तो 20 साल से फाइनेंस की भी नहीं है, मगर आप लोगों ने जो लोग पैदा किए हैं उन्होंने कोई बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स नहीं क्रिएट कर दिए। आपने क्या किया है कि अंग्रेजी बोलने वाले बड़ी कंपनियों के नौकर क्रिएट किए। अच्छा मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे चैलेंज करें। फार्मास्यूटिकल कंपनियां, ये पेप्सिको, यहां पे ये जाते हैं, इन्होंने कौन सा काम करना है? वहां मीठा पानी बनाना है ना, वो फार्मूला का। अच्छा मीठा पानी इन्होंने खुद बनाया है क्या? वो फार्मूला कहां से आ रहा है? अमेरिका से। तो इन्होंने क्या करना है? हमें वो प्रोड्यूस करने हैं लोग जो कि स्टीव जॉब्स बिल गेट्स की तरह खुद प्रोड्यूस करते हैं। मीठा पानी बनाने में बहुत बड़ा आर्ट है भाई, कोई आसान नहीं है। अच्छा बनाने का कोड का मजा आप कॉपी करें या खुद अपना ओरिजिनल बनाए शरबत। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि नंबर वन करना क्या है वो तो आप 50% बात होगी, 50% एटीट्यूड अपना और 50% शदीद मेहनत। शदीद मेहनत छोटी मोटी नहीं। अच्छा आप नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? थप्पड़ मार के तो फायदा नहीं है किसी से कुछ कराने का। मेरे वालिदैन मेरे पर टोटल कंट्रोल था, मेरे बाप फौजी थे, उनके पास डंडा भी बहुत बड़ा था, फिर भी मुझसे कुछ नहीं करा सकते थे। मैं जनरल के अंदर कॉमिक आर्ची की कॉमिक अंदर रख के या सुपरमैन की कॉमिक बन के पढ़ रहा होता था, अब्बा गुस्से में डंडा लेके घूम रहे होते थे कि पढ़ाई में नंबर क्यों आया करो। मैं कह रहा हूँ पढ़ तो रहो। अब अबू बेचारे को क्या पता कि मैं उस जनरल के अंदर कॉमिक रखी हुई है। कोई किसी को कुछ नहीं करा सकता। मेरे सारे दोस्त की वालदा है सिगरेट पीने के इतने खिलाफ थी कि कोई हद नहीं। मेरे सारे दोस्त पान खाते थे, सेंट लगाते थे घर जाने से पहले, पता नहीं क्या क्या करते थे।